इस लॉकडाउन में और कौन कौन ऐसे स्वरोजगार के जो है मौके हैं जो उपलब्ध है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अपना भरण पोषण कर सकता है? कोई जरूरी नहीं है कि अगर यदि आपने एजुकेशन किया है तो आपको इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है। ऐसे में आज का युवा यदि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है तो किस प्रकार से कार्य कर सकता है? खाने का खर्चा निकालोगे तो एक माह में आप अपने ऊपर मात्र 2000 रुपए में पेट भर खा सकते हो परिवार सहित। क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई तकनीक है, ऐसे कोई नुस्खे हैं कि जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं वो इससे बाहर निकल? पोस्ट डाला था कि आने वाले समय में कई युवा आत्महत्या करेंगे। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जो 2023 तक जी लिया वो सबसे अमीर आदमी है। जय हिंद दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं राजेश सरयाम जी, जो कि पिछले विगत 25 वर्षों से निशुल्क कोचिंग क्लास चला रहे हैं, साथ ही साथ वे राज्यपाल पुरस्कृत भी हैं। इसी के साथ उन्हें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में राजपथ पर पूरे देश को सलामी देने का मौका मिला। एक बहुत ही बेहतरीन लोकगीत गायक और दूरदर्शन और आकाशवाणी के बहुचर्चित प्रसिद्ध कलाकार। आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसी शख्सियत से हमें मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमारे शो में। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो पिछले 25 वर्षों से जो आप कोचिंग क्लास चला रहे हैं, निःशुल्क चला रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, ये सब करने का आइडिया और ये सब करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पारा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, अपने शो लायक। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं वर्ष 1992 मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी शासकीय हाईस्कूल सहरा में जी। तब मैंने देखा कि ग्रामीण अंचलों से जो बच्चे लोग आते थे, बहुत दूर से आते थे, वे पैसे नहीं होने के कारण बेचारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ नहीं पाते थे। तो मेरे को ऐसा लगा क्यों ना मैं इन बच्चों के लिए काम करूं। और वहीं से मेरे को जब प्रेरणा मिली, जब मैं इन बच्चों को वहाँ से पढ़ाने लगा वहाँ से जी। तो पहले मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया जी। और उसके बाद में जब मैंने देखा कि जब बच्चे पढ़ लिख लेते हैं लेकिन उनके पास में नौकरी का कोई साधन नहीं रहता है, तब मैंने फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में इनको ट्रेनिंग देना चालू किया जी। और आज ईश्वर की दया से कई हजार बच्चे सरकारी नौकरी में लगे हैं और मैं इसे अपनी एक पूजा मानता हूँ। और ये मानता हूँ कि इस संसार में यदि हम इंसान के रूप में इस धरती पर पैदा हुए हैं तो इंसानियत के नाते यदि हम उनके लिए काम करते हैं तो इससे मुझे अच्छा सुकून मिलता है, इसीलिए मैं ये काम करते चले आ रहा हूँ। बहुत 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 अच्छा, आप पुनित कार्य कर रहे हैं राजेश जी। राजेश जी, अभी ये जो कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा जी, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे नौकरी पेशा लोग हैं, यदि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, जो अभी तक मेट्रो सिटीज़ में काम करते आए हैं, तो कोरोना के कारण उन्हें वापस अपने गृह जिले में, अपने गांव में आना पड़ा। ऐसे स्थिति में उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो कहीं ना कहीं डगमगाई है, तो ऐसे में आप उन सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं, उन्हें क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? मेरा ऐसे युवाओं से एक संदेश ये है कि देखिए, मैं पहले बता दूँ कि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में था, मेरी 50 से 60 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, मैंने नौकरी छोड़ दिया और मैं भी बेरोजगार हो गया। लेकिन मैं कंटिन्यू उन गरीब बच्चों को इंस्टीट्यूट चलाकर पढ़ा रहा हूँ ताकि वे एक अच्छे मुकाम पर जाएं। और अभी आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छा लेख आया था कि एक दंपत्ति थी जो अमेरिका से वापस आई है जी। अमेरिका में उनका करोड़ों का पैकेज था और अमेरिका की नौकरी छोड़कर वे आज वेस्ट बंगाल में है
और 2 एकड़ की बंजर भूमि को उन्होंने आज इतनी उपजाऊ बना दी कि जहां पर आज करोड़ों की लागत से वो पैसा कमा रहे वहां पर। अच्छा। और दूसरों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। तो ऐसे युवाओं से मेरा एक छोटा सा निवेदन ये है कि जब आपके गरीब माता पिता जो लाचार है और आपको वो एक बंजर भूमि से उपज जैसे तैसे हासिल करके जब आपको इतने दूर पढ़ाकर भेजा सकते हैं, तो आपका एक कर्तव्य है कि उन माता पिताओं के साथ में सेवा भावना करते हुए अपने माता पिता को दिखा दो कि हम भी किसान के पुत्र हैं और एक अच्छे कृषक बन के भी हम पैसा कमा सकते हैं। ये मेरा उनके लिए संदेश है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर यदि आपने एजुकेशन किया है तो आपको इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है। आप एक अच्छे कृषक बनकर भी एक नौकरी के रूप में आप इसे अपना सकते हैं। ये मेरा संदेश है। राजेश जी, अभी बहुत समय से एक चैप्टर अभी चले आ रहा है, टीवी में भी चल रहा है, न्यूज़ में भी चल रहा है, काफ़ी जगह चल रहा है, डिप्रेशन। क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई तकनीक है, ऐसे कोई नुस्खे हैं कि जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं वो इससे बाहर निकल सके? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आए दिन मैंने अपने फेसबुक पे भी एक पोस्ट डाला था कि आने वाले समय में कई युवा आत्महत्या करेंगे। इसका कारण सिर्फ एक ही है, ये वे युवा हैं जो लड़ना नहीं चाहते, कभी संघर्ष करना नहीं चाहते, वे ही व्यक्ति आत्महत्या करता है। देखिए, मेरा एक साफ मानना यह है कि हम क्यों मरे। बिल्कुल सही बात यार, ईश्वर ने आपको 2 हाथ पैर तंदुरुस्त बदन दिया है और कभी उसके बारे में सोचा है जिसकी 2 आंखें नहीं है? अभी वर्तमान में कल का पेपर उठाकर देखिए, उसके अंदर एक दिव्यांग बच्ची ने जिसको दोनों आंखों से नहीं दिखता यूपीएससी की परीक्षा फाइट की उसने और आज उस पोस्ट पे पहुंच गई है। तो फिर मैं तो बोलता हूं कि आप तो उससे भी गए गुजरे हो। बिल्कुल सही। तो जहां तक मेरा उन युवाओं से एक निवेदन यह है कि डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को खुश रखो, जितना है उसी में खुश रखो। मैंने एक और चीज में आपको बता दूं कि मात्र यदि अगर आप अपने खाने का खर्चा निकालोगे तो एक माह में आप अपने ऊपर मात्र 2000 रुपये में पेट भर खा सकते हो परिवार सहित। मैंने अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आप इतने पढ़े लिखे हो कि 2000 रुपये भी नहीं कमा सकते? इसका मतलब आप खुद ही संसार में जीना नहीं चाहते, क्योंकि आप उस लायक अपने को समझते नहीं है। परिस्थितियों से समझौता करो। अभी का जो हमारा जो देश जिस स्थिति में चल रहा है कोरोना वायरस के चक्कर में, तो केवल एक बहुत अच्छे हमारे उद्योगपति टाटा ने भी बहुत अच्छी बात कहा है कि जो 2023 तक जी लिया वो सबसे अमीर आदमी है। तो जीने की सोचो यार, नफा नुकसान से क्या करना अभी, यही मेरा एक संदेश है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई राजेश जी। अभी जो लॉकडाउन लगा, ऐसे में बहुत सारे लोगों का रोजगार छूटा है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कुछ प्रयास किया है इन लोगों को स्वरोजगार की तरफ जोड़ने का, जैसे मोदी जी का भी एक अभी संबोधन आया था जिनमें उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल, और जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही। ऐसे में आज का युवा यदि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है तो किस प्रकार से कार्य कर सकता है, और इस लॉकडाउन में भी वो किस प्रकार से अपने रोजगार को या स्वरोजगार को जारी रख सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को मैं वहां से जोड़ता हूँ, एक माता पिता से जी, कि अधिकतर माता पिता अपने बच्चे को ये बोलते हैं कि मैंने तेरे लिए पढ़ाई के लिए तेरे ऊपर 1,00,000 रुपये खर्च किया, क्या मतलब कर रहा, आखिर तो तू घर ही आ गया। इस कारण भी कई बच्चे डिप्रेशन के कारण। मैं खुद अपने बेटे की बात करता हूँ कि मेरा बेटा मेरे घर में, मैं आपको बता दूं कि मेरी मम्मी विकासखंड शिक्षा अधिकारी रही, मेरे पापा प्रिंसिपल रहे, मैं शिक्षक रहा, मेरी वाइफ शिक्षक, मेरा भाई शिक्षक, मेरी बहन शिक्षक, मेरा दामा शिक्षक और मेरी बहू भी शिक्षक। यानी हमारे परिवार में जितने लोग हैं सभी गवर्नमेंट जॉब में। क्या बात है। लेकिन मैंने अपने बेटे को यह कहा कि बेटा, जब मैं नौकरी छोड़कर मैं बेरोजगार हो गया हूं तो तुम कितने लोगों को रोजगार दे सकते हो, तुम बेरोजगार होकर कितने लोगों को रोजगार दे सकते हो। और इसी के लिए हम लोगों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं कि आप रोजगार कैसे पा सकते हैं। चीन का एक बहुत अच्छा किस्सा है कि एक बार एक ऐड निकला वहां पर और एक व्यक्ति ने कहा कि यदि आप बेरोजगार हो तो मैं आपको रोजगार देना चाहता हूं। तो उसमें क्या हो गया, एक व्यक्ति वहां पे पहुंच गया, बोले मुझे रोजगार चाहिए, तो बोले बिल्कुल देंगे, कितना ही तनख्वाह चाहते हो, तो बोले 50,000, बोले आपको 60,000 दी जाएगी, आप क्या एजुकेशन है आपका, तो उसने कहा कि मैं MBBS हूं, MD हूं, तो बोले ठीक है कल से आ जाओ, कल से आपको जॉब मिल जाएगा, आप 60 की जगह हम 70,000 रुपये देंगे। तो उस जब वो व्यक्ति वहां पर आया तो उसने कहा कि मुझे कौन सी जॉब करनी है, तो बोले बस आपको सैलरी से मतलब है ना, 60 मांगे थे हम आपको 75,000 रुपये दे रहे हैं, ये मेरा खेत है जी, ये बैलगाड़ी रखी हुई है जी, और यहाँ से हलक
चलाना चालू कर दो जी। तो वो व्यक्ति बोला कि मैं MBBS MD हूँ, मैं हल चलाऊंगा। तो उसने कहा कि बेरोजगार बनकर घर पे डिप्रेशन में बैठना ज्यादा पसंद करोगे कि हल चलाकर 75,000। बहुत अच्छी बात। तो यही चीज हमारे युवाओं को सीखना चाहिए कि छोटे काम से व्यक्ति छोटा नहीं होता है। बस यदि हमारे परिवार को पालना है, हमारे माँ बाप का सपना पूरा करना है, सबसे पहले आपको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप सबसे करोड़पति इंसान हो, क्योंकि आपकी माँ ने आपको बचपन में 9 महीने अपने पेट में रखा है, अपने पिता ने हर वक्त तुम्हारी परवरिश की है। उनका यदि सपना आपको साकार करना है ना, तो बस उनको खुश रखो, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात राजेश जी, बहुत बढ़िया। राजेश जी, जैसा कि आप एक बहुत बहुत ही सुंदर एक लोकगीत गायक हैं, और आज मैंने आपके हाथ में बांसुरी भी देखी, तो मैं चाहता हूँ कि इस अच्छे मौके को मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ, कुछ धुने बांसुरी की इतने सुहाने मौसम में हम आपसे सुनना चाहेंगे। मौसम भी बड़ा लाजवाब है जी, चलो उसके हिसाब से मैं पहाड़ी धुन आपको सुना देता हूँ। बहुत अच्छा राजेश जी। राजेश जी, हम आपसे, मैं पर्सनली, मेरा ये सवाल है, चूंकि हम लोग बहुत समय से जुड़े हुए हैं, मैंने देखा है आपको कितने खुशनुमा तरीके से, कितने जिंदा दिली तरीके से आप अपनी जिंदगी को जीते हैं, क्योंकि मैं भी आपसे इंस्पायर्ड हूँ, और मैं हमारे सभी दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि जो जीवन जीने का तरीका आपका है, इसमें तो डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जो आप मोटिवेट करते हैं लोगों को, काबिल तारीफ है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदा दिली का सीक्रेट आप सभी के साथ शेयर करें। देखिए पराज जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ईश्वर ने जो हमको इंसान के रूप में इस धरती में पैदा किया ना, इससे बड़ी सौगात और कुछ नहीं हो सकती है। और मैं इस शो को देखने वाले हर उस शख्स से एक ही निवेदन करूँगा कि हर पल को जियो, परिवार के साथ में जियो, दोस्तों के साथ में जियो, और जी भर कर जियो, क्योंकि कहा गया ना कि ये ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। पारस भाई, जहाँ तक कि जो हम ईश्वर से जो अपनी लॉ लगा के बैठे हैं ना जी, तो वो वही आपको रिटर्न करता है जो आप करते हैं। बिल्कुल। तो जितनी दुआएं कमा सकते हो ना, उसी दुआओं के ऊपर ये संसार चलता है। और इसीलिए न मन में छल रखो, न मन में कोई कपट रखो। हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं संसार के अंदर, लोगों के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, लोगों की कितनी मदद कर सकते हैं, बस यही एक जीवन का सहारा। और इसी के आधार पर मैं हर पल को खुश रहकर जीता हूँ, और सभी के साथ में खुशियाँ बांटते रहता हूँ। बहुत अच्छे विचार राजेश जी आपके। राजेश जी, इस लॉकडाउन के दौरान, चूंकि आज के हमारे इस कार्यक्रम का शीर्षक है रोजगार के नुस्खे राजेश सरयाम जी द्वारा, मैं चाहता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे युवाओं को, और जो भी बेरोजगार जो साथी है, उन्हें आप रोजगार की महत्वपूर्ण टिप्स प्रदान करें। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं आपसे आज पारस भुप्ते जी के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। रोजगार आपके पास में है, बस आप उसको सर्च तो करो। मैंने कहा एक दिन मेरे बेटे को कि बेटा चलो अपन केले बेचेंगे। अच्छा। बिल्कुल, आप अभी देखना आने वाले समय में। मैंने बोला पॉलिश करेंगे। हाँ। पॉलिश करने से हमारी जात नहीं होती। पॉलिश करने से यदि हमारे पास पैसा भी आ रहा है, तो मैं उस रोजगार को गलत नहीं मानता हूँ। यदि आपका परिवार, यदि घर भूखा है, और उसके लिए अगर यदि आप कुछ भी काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको पारिश्रमिक मिल रहा है जी, तो ये मत सोचे कि वो काम गलत है। काम काम ही होता है। और हर युवाओं से ये कहना चाहूँगा मैं कि घर में बैठ कर डिप्रेशन में जाने से अच्छा यही है कि छोटे भी काम करो यार। लोग तो आपका एजुकेशन देखेंगे कि देखो कि एक MSc गोल्ड मेडलिस्ट लड़का रास्ते में फुटाने बेच रहा है, वहाँ आपको नाम मिलेगा, न कि आपकी बदनामी होगी। यही संदेश देना चाहता हूँ कि छोटे छोटे काम, अभी आने वाले समय में हम लोग ने
दिया है कि जो बेरोजगार हमसे मिले हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं बराबर। इस शो के माध्यम से यदि कोई भी हमारे पास में आता है, बिल्कुल हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे और उस लायक मजबूत बनाएंगे ताकि वह परिस्थितियों से लड़ सके और अपने परिवार को हंसी खुशी का माहौल दे सके। राजेश जी, जिन लोगों की अभी आपने तो रोजगार के लिए बताया, जिन लोगों की अभी नौकरी भी छूट गई है, नौकरी करना चाहते हैं, नौकरियां मिल नहीं रही है, उनके लिए भी आपने बताया कि किसानी से जुड़े, लेकिन यदि किसी के पास खेत नहीं है या कोई अपना जो पारंपरिक जो व्यवसाय है वो नहीं है, तो अधिकतर लोग की वो बोलते हैं ना कि एक अंदर से एक भावना भी होती है कि छोटा बिजनेस नहीं करना चाहते, कुछ छोटा काम नहीं करना चाहते, उनके लिए भी आपने एक बहुत अच्छे तरीके से उनको गाइड किया। मैं चाहता हूँ कि कुछ और ऐसे टिप्स स्वरोजगार के, एक तो रोजगार की बात हो गई, दूसरी बात हम करना चाहते हैं स्वरोजगार, क्यों इस लॉकडाउन में और कौन कौन से स्वरोजगार के जो है मौके हैं जो उपलब्ध है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अपना भरण पोषण कर सकता है। बिल्कुल जी, स्वरोजगार का देखिए सबसे पहले तो क्या है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास उतना पैसा नहीं होता है, तो डिपेंड करता है कि वो मार्केटिंग करे, वो मार्केट में जाए, देखे कि छोटे छोटे अभी बहुत सी छोटी छोटी बातें, अभी मैं खुद आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ी दिन आके देखेंगे, मैं खुद चौक चौराहे पे मास्क बेचने वाला हूँ जी, मुझे जरूरत नहीं है, बिल्कुल, मैं खुद सैनिटाइज बेचने वाला हूँ, मैं खुद जाकर वहाँ पे कुछ भी जो भी मिलता है मुझे जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरी वाइफ को मिलती है 50,000 रुपये तनख्वाह जी, क्लियर है, और मेरी पेंशन आती 20, कितना हो गया 70, तो मैं क्यों बेचना फिर वहाँ जाके, बिल्कुल, लेकिन कम से जब मैं बेच सकता हूँ रस्ते में, ओके, जब मेरा बेटा वो खुद वहाँ पे जाके रस्ते में कोई भी सामान बेच सकता है तो बाकी के लोग क्यों नहीं बेच सकते। युवाओं से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि शर्म मत करो यार, माता पिता के सपने पूरे करना है, खुद के भी सपने पूरे करना है। अगर यदि आप ग्रेजुएट होने के बाद में, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद में यदि आप घर में बैठे ना, तो उससे 100 गुना ज़्यादा वो अनपढ़ व्यक्ति, वो निरक्षर व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है जो किसी के खेत में जाकर मजदूरी कर कर किसी के घर में नौकर रह के अपने परिवार को पालता पोसता है, उससे भी तुम कई गिरे व्यक्ति हो। मैं खुद ये कहना चाहता हूँ, क्यों, जब वो बुजुर्ग व्यक्ति, वो एक गरीब माँ, वो लाचार माँ अपने परिवार को पूरा पाल ले रही है और तुमको ग्रेजुएशन करा रही है, तो तुम क्या कर रहे हो घर में बैठ के। इसलिए शर्म मत करो, काम करो बस, क्योंकि ये मौका 2 साल तक बिल्कुल बहुत खतरनाक स्थिति हमारे देश की, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप ये मत सोचो दिक्कत कहाँ है, दिक्कत वही है कि आज आपने व्हाट्सएप को अपना लिया है, आपने फेसबुक को अपना लिया है, और दूसरे कि आपने आने वाले जो एटमॉस्फेयर में अपने आप को जो सेट किया ना कि मैं, मेरा दोस्त ये, मेरा दोस्त वो, उसका, उसके पास तो कार है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं होता है। आपके पास में जो कुछ है वो आपका है, आपके माता पिता का आपका नहीं है, जो आप बना सकते हैं बस इसी को आधार मानकर चलो, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अपने आप को एक बार अपने बंद कमरे में बैठ जाओ, आंखें बंद करके दोनों हाथों को पीछे बांध लो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, जब समझ में आपको आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे डिसीजन पर जाएंगे। मैं आपकी भावना को ठेस नहीं फैला, आपकी भावना के साथ में खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस आपको एक एजुकेशन दे रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत ही क्रांतिकारी आपके विचार हैं राजेश जी, और आज जो आपने अपना समय हमको दिया ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे ऐसा लगता है कि आज सभी को सीखने मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। अंत में कार्यक्रम के अंत के हम और हम बढ़ते हैं राजेश जी, हमारे शो के माध्यम से हमारे हर गेस्ट से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस लायक मुझे समझा, और लेकिन जो आपके सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर आपका शो चल रहा है, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हर दर्शक से यही कहूँगा कि यदि ये शो आपके पास, आप इसको फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो या जिस माध्यम से भी आप देख रहे हो, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है इस शो के माध्यम से जो एजुकेशन लोगों को मिल रहा है उसमें से कई गरीब बच्चे या कई लाचार या मजबूर बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं ना, वो आत्महत्या करने से रुक सकते हैं, क्योंकि उसने एजुकेशन ऐसा मिलेगा, क्योंकि मेरे जैसे कई लोग जो हैं, लोग जो बता रहे हैं यहाँ पर आके, जो बुद्धिजीवी लोग बता रहे हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके माध्यम से हमारे जिले में आत्महत्या जितनी हो रही ना वो रुकेगी, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही नेक विचार राजेश जी, मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहता हूँ, चूँकि आप युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि संक्षिप्त में आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से आपसे जुड़ सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो आप इस शो के माध्यम से तो आप हमसे जुड़े ही हैं और पारस जी से भी जुड़े ही हैं, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, आप डिप्रेशन पे हो, आप बिल्कुल हमें कॉल कीजिए, आप
पारस भुप्ते जी का जो नंबर चल रहा है आप उससे भी हमें कॉल कर सकते हैं, इन्हें बता सकते हैं हमारे पास आपकी जो भी जानकारी हमें मिल सकती है, और हम आपको एक अच्छा युवा बनाएंगे, एक मजबूत युवा बनाएंगे और एक अच्छा व्यक्तित्व आपके अंदर हम डालने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि वे राजेश सरयाम जी से भी जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि नंबर जो है इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हम नंबर तो नहीं डिस्प्ले कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आप फेसबुक के माध्यम से राजेश सरयाम जी की उसके ऊपर फेसबुक आईडी है, या आप हमें हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमें कमेंट करके आपके सवाल हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आज आप हमारे शो में आए, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो दोस्तों आज हमारी मुलाकात हुई राजेश सरयाम जी से, और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो राजेश जी ने हमें रोजगार और स्वरोजगार रिलेटेड जो टिप्स दी वो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। आगे भी हम हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रिपल ई के ऊपर निर्भर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरटेनमेंट, इन्हीं तीन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे भी एपिसोड्स लेकर के आएंगे। यदि आपके मन में कोई विचार है तो हमारे साथ बिल्कुल शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए द पारस भुप्ते शो। जय हिंद, जय भारत।